بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. My dear students, today's topic is a last topic of our unit, Ethical Values in Islam, and topic is theft. Theft, its Arabic word is sarik, and which means stealing of property. It is highly prohibited in Islam. Its punishment is cutting off the hand after complete inquiry about the matter according to the principles of Islam. Because cutting off the hand is a serious matter, it should not be done for just any case of theft. चोरी जो है दीन इस्लाम इसे पसंद नहीं करता है, इसकी बड़ी ममानियत की गई है और इसकी सजा जो है वो है हाथ काटना, एक चोर के हाथों को काट दिया जाता है। लेकिन अब किसी के हाथ काटने होंगे ये कोई इजी मामला नहीं है, दिस इज नॉट सो मच इजी कि हम जाए और पकड़े चोर को और फिर उसको मेरे अन उसी टाइम उसके हाथ काट दिए जाएंगे। देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर इन इस्लाम और उस इस्लाम में उस प्रोसीजर के एतबार से हमें इसके हाथ काटने होंगे। तो बहुत सारे ऐसे कंडीशन रखे गए हैं दीन इस्लाम में, अहादीस में भी इस चोरी की ममानियत आई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया चोरी करने से, तो कुरान करीम में भी फरमान रब्बुल आलमीन है सूरतुल माईदा में कि जो चोर होता है चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मर्द हो या जन हो, तो उनके हाथों को काट देना होता है। तो इसलिए जो दीन इस्लाम में स्कॉलर्स ने इस चीज पर वो बहस मबहस करने के बाद कुछ जो है कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशंस रखे हैं सामने मुसलमान उम्मत के लिए, ताकि वो कंडीशंस देखने के बाद और उन कंडीशंस को बनाया गया है कुरान करीम के फरमानों और मोहम्मद अरबी सल्लम के फरमानों को सामने रखकर अंडर द गाइडेंस ऑफ कमांडमेंट्स ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह सुबहानहू व तआला एंड कमांडमेंट्स ऑफ आवर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको परखने के बाद कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशन रखे गए हैं एंड वन मस्ट फॉलो दोज कंडीशंस एंड अंडर दोज कंडीशंस ही आर शी दिस जो जिसने चोरी की होगी उस पर वो हद आयद हो सकती है। तो लेट अस सी दोज कंडीशंस। आई एम गोइंग टू मेंशन हियर सिक्स पॉइंट्स, तो लेकिन किताबों में आपको और भी कहीं पर कुछ पॉइंट्स मिल सकते हैं, लेकिन वे आर सपोज टू मेंशन हियर अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस थेफ्ट इन इस्लाम। पॉइंट नंबर फर्स्ट जो है, द थिंग शुड हैव बीन टेकन बाय स्टील्थ, इफ इट वॉज नॉट टेकन बाय स्टील देन द हैंड शुड नॉट बी कट ऑफ, such as when property has been seized by force in front of other people, because in this case the owner of the property could have asked for help to stop the thief. ye chori jo hui hogi, pehla point jo isme hai, isme ye mention hai ki jab ye chori hui hogi तो इसको पहले देखना क्या ये सच्ची में पुशीदा तौर पर इसने चोरी की है कि नहीं। कोई इंसान किसी के दुकान में जाता है और वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं और उसे कहता है कुछ, कोई उनका अपना कोई लेन देन होगा या किसी भी जगह कोई जाए इंसान और वहां से उसको वो कोई चीजें उठाकर लेगा, तो उसको हम चोरी नहीं कह सकते हैं। इसको प्रॉपरली जब चोर ने चुराया होगा पोशीदा तौर पर
और वो उस हालत में गया होगा वहां पर कि चोरी चोरी वहां से निकाल के वो चीज लिया होगा, जहां से भी, चाहे दुकान हो चाहे कोई भी जगह हो। तो ये पहले हमें देखना होगा, उस टाइम इन चीजों को पहले देखना होगा। या वरना अगर कोई ऐसे ही वहां पर लोग भी होंगे बहुत सारे वहां पर, और मतलब ना ये रास्ते चलते हुए लोग होंगे, तो उनके सामने कोई कोई किसी का कोई चीज लेगा तो उस टाइम हम कहेंगे कि भाई ये इसने चोरी की है, वो चोरी नहीं मानी जाती है। पॉइंट नंबर टू जो है, दैट इज द स्टोलन प्रॉपर्टी शुड बी समथिंग ऑफ वर्थ, बिकॉज दैट विच इज ऑफ नो वर्थ हैज नो सैंक्टिटी, सच एज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वाइन एंड पिग्स। जो चोर चोरी करने के बाद जो वो चुराएगा, उस चुराए हुए माल की कोई वो ना उसकी कोई अहमियत होनी चाहिए, उसका कोई वैल्यू होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, अगर कोई हराम वाली चीज जो होंगे, अगर उनमें से, या वाइन शराब कुछ होगा, अगर चोर ने वो चुराया होगा, तो उस टाइम जो तहकीक करने वाले लोग होंगे उनको देखना होगा कि ये इसने जो ये चीजें ले ली है इनके पीछे क्या मामला है, क्यों ले ली है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसने ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या वाइन या कोई भी चीज चुरा के ले लिया है, इससे मत कोई और प्रॉब्लम हो रही थी तो उसकी वजह से इसने ये ले लिया है ये चीज। ये सेकंड कंडीशन है। एंड द थर्ड वन इज द वैल्यू ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी शुड बी अबव अ सर्टेन लिमिट, विच इज 3 इस्लामिक दिरहम्स आर अ क्वार्टर ऑफ एन इस्लामिक दिनार आर देयर इक्वलेंट इन अदर करेंसीज। जो हमें देखना है कि कोई कुछ जो चोर ने चुरा के ले लिया होगा उसका कोई लिमिट रखा है कि हो सकता है कोई ऐसा चीज हो जिसकी कोई वृद्धि नहीं है, तो उसमें हमने इस्लाम स्टडीज में या दीन इस्लाम में कहा गया है 3 इस्लामिक दिरहम्स आर ए क्वार्टर ऑफ एन इस्लामिक दीनार। जो दीनार जो करेंसी वहां पर है उसको देखना है कि अगर एक दीनार है उसका जो क्वार्टर आएगा, या 3 इस्लामिक दिरहम, दिरहम का जो वैल्यू है उसका जितना वो होगा, वो हमें देखना होगा। उसी चीज पर हमें फिर वो चोर पे हद करनी होगी। मसलन यहां पर जो हमें रुपये चलते हैं यहां पर, तो अगर कोई 1 रुपये का, 2 रुपये का, या कितना वो वैल्यू हमें देखना होगा कि उस टाइम दिरहम की क्या रेट होगी, वहां पर दिनार की क्या रेट होगी, उस हिसाब से वो देखना है कि चोर की कोई वर्थ होनी चाहिए। मामूली सा चीज होगा तो उस पर हम जो उस वक्त उलमा होंगे, जो उसको देखने वाले लोग होंगे, उनको उस चीज पर देखना होगा कि क्या सजा हो सकती है और क्या सजा नहीं हो सकती है। फोर्थ पॉइंट जो है वो है द स्टोलन प्रॉपर्टी शुड have been taken from a place where it had been put away, that is a place where people usually put their property such as a cupboard for example. ye jo ab chori jo jis chor ne ab chori ki hogi, ab ye dekhna hai ki kya ye property isne kahan se chura ke le li hai, jo is property ka malik hoga ye hame dekhna hai ki usne wo property rakhi kahan hai. agar kisi sadak par rakhi hogi property, kisi ne wo usko अंडर कवर नहीं रखा होगा। नॉर्मली जो प्रॉपर्टी होती है, जो चीजें होती है, वो हम रखते हैं मतलब अलमारी में कहीं पर अच्छी तरह से, तो अगर हम बाहर ऐसे ही रखेंगे फिर कहेंगे हमने चोर ने ले लिया, तो उस टाइम भी हमें देखना होगा कि हो सकता है जो जिसने वो प्रॉपर्टी ले ली होगी कि उसको धोखा लगा होगा, शायद रखा है ऐसे ही उठाने के लिए। तो ये सारी चीजें कंडीशन इसमें आते हैं, इनको देखना होगा इन चीजों को। एंड नंबर फिफ्थ कंडीशन इज द थेफ्ट इटसेल्फ हैज टू बी प्रोन either by the testimony of 2 qualified witnesses or by the confession of the thief twice. देखिए ये ऐसी बात नहीं, चोरी हो गई होगी और हम जाएंगे किसी खिलाफ कोई मुकदमा दायर करें कि भाई इसने चोरी की है। लेकिन इस्लाम में पहले इस चीज को प्रूव करना होगा कि चोरी कैसे हुई है। 2 गवाह होने चाहिए जो ये शहादत देंगे कि हाँ ये चोरी हुई है इस इंसान को, या जो चोर होगा अगर अब शाहिदों के बगैर ही चोर को पकड़ा गया, तो उस टाइम फिर चोर को जब उसके उसे उसे बात होगी, उसे देखेंगे, तो उसको अगर शहादत नहीं मिल सकती है तो उस टाइम जो वो चोर है उसे 2 दफा वो ना वो कन्फेशन करना है, बोलना है कि हाँ मैंने ये चोरी की है। ये एक्चुअली थोड़ा सा जो ये टॉपिक है ये डिबेटेबल मामला है, इस पे स्कॉलरों ने बहुत सारा कुछ लिखा है। दीन इस्लाम में बहुत सारी चीजें हमारे पास है जिनको देखने के बाद ही हमें इस नतीजे पर पहुंचना है कि ये चोर जो है इसके हाथ जो काटने हैं, या क्या कोई और हद इस पे हो सकती है जो हम जो दीन इस्लाम में मतलब इसके लिए मुतय होगा।
सिक्स्थ पॉइंट जो है वो है द पर्सन फ्रॉम होम द प्रॉपर्टी वॉज स्टोलन हैज टू आस्क फॉर इट बैक इफ ही डज नॉट देन देन द थीफ्स हैंड डज नॉट हैव टू बी कट ऑफ। हाँ, ऐसा भी मामला है कि अगर चोरी हुई होगी तो उसके बाद अगर चोर को पकड़ने के बाद चोर से प्रॉपर्टी वापस ले ली गई हो, सारी प्रॉपर्टी यानी चोर ने चोरी की लेकिन कोई भी चीज उसने उसे नहीं मिला, वो सारा वापस दे दिया गया है उसको जिसकी वो प्रॉपर्टी है, तो उस टाइम भी जो स्कॉलर्स होते हैं, जो काजी होता है दीन इस्लाम में, उसे फिर उस टाइम देखना है कि अब कौन सी सजा, किस हद तक हम इसको क्या कर सकते हैं, तो उस हिसाब से उस टाइम जो जिसने चोरी की होगी उस पर वो हद चलेगा। तो दीज आर द सिक्स पॉइंट्स विच वन हैज टू कीप अंडर कंसिडरेशन वाइल ही इज गोइंग टू गिव पनिशमेंट। तो चोर को पनिशमेंट देते वक्त हमको इन पॉइंट्स का ख्याल रखना होगा, इन चीजों का ख्याल रखना होगा। तो इस ये जो है इट वॉज लास्ट दिस कॉन्सेप्ट थेफ्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ थेफ्ट इन इस्लाम, ये आपको रजाइल में जो है जो सिलेबस में है आपको रजाइल जो है उसमें है, एक ये पॉइंट है, एक ये कॉन्सेप्ट है जो आपको पढ़ना था। तो इसके साथ ही हमारा जो है ये यूनिट मतलब फिनिश हुआ। तो मैं लेट अस हैव अ लुक एट अ ग्लांस इस चैप्टर के ओर एक हम नजर मारते हैं। तो इट वाज एथिकल वैल्यूज इन इस्लाम, आपको एथिकल वैल्यूज में जो है पहले जो है सिलेबस में पढ़ना था, दैट वाज व्हाट डू यू मीन बाय एथिक्स इन इस्लाम और व्हाट डू यू मीन बाय एथिकल इन इस्लाम। एंड फिर उसके बाद आपको ये जानना था कि अब जो ये जो वैल्यूज होते हैं, एथिकल वैल्यूज जो होते हैं, कौन से ऐसी चीज है जिनसे वो एक इंसान एथिकल बन सकता है। देर आर सो मेनी वैल्यूज इन इस्लाम, बहुत सारे वैल्यूज है जिनको हमें जिन एथिकल वैल्यूज को इनकलकेट करना होगा हमें अपने आप में, तो या कुछ ऐसे वैल्यूज है जिनको हमें शन करना होगा, जो हमें नहीं करना होगा, उन वैल्यू वो सारे वैल्यूज है हमारे इस्लाम में। लेकिन यूनिवर्सल सिलेबस, आपके सिलेबस में वर्चूज थे, हमने उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था। तो नंबर वन वाज वर्चूज एंड सेकंड वाज वाइसेस। वर्चूज को हम फजाइल भी कहते हैं और वाइसेस को रजाइल कहते हैं। वर्चूज में आपके चार वैल्यूज थे, ट्रस्टफुलनेस, जस्टिस, मॉडेस्टी एंड ट्रस्टफुलनेस, जस्ट, मॉडेस्टी एंड ट्रस्ट, ये चार वैल्यूज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको पढ़ाया है, और मुझे उम्मीद है कि आप इन चार चीजों पर, ये चार वैल्यूज जो है, इनको आप अपने अपने वो दिलों और दिमाग में इनकलकेट करोगे। तो और जो वैल्यूज थे हम पढ़ने थे हमें, वॉइस रजाइल यानी बैक बाइटिंग, लाइंग, एंगर एंड थेफ्ट। तो इन चार चीजों से आप इंशाल्लाह ताला परहेज करेंगे और इन क्वालिटीज को, जो सारे जो एथिकल वैल्यूज में आते हैं, इनको इनकलकेट करते रहेंगे और इंशाल्लाह ताला रब के फजल व करम से आप में क्या हो जाएगा, आप वो आप में आप सॉर्ट ऑफ एन एथिकल बन जाओगे, और वो दैट इज नॉट जनरल एथिकल पर्सन आप बनोगे, यू विल बी इंशाल्लाह ताला यू विल बिकम ए मुस्लिम एथिकल पर्सन, मुस्लिम एथिकल इंडिविजुअल। तो रब करीम इंशाल्लाह ताला हमारी सूरत तो रब ने हमें अच्छी बनाई है इंशाल्लाह ताला, और रब से दुआ करेंगे कि वो हमारी जो सीरत है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमारी सीरत भी संवर जाए और रब्बुल आलमीन हमें और जानने की और पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आमीन।